आज हमारे साथ आ चुके हैं सत श्री अकाल जी अगेन, वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, हियर वी गो। व्हाट इज एन एटम? अब एटम के देखो इतनी बार एक्सप्लेनेशन हो चुका है, व्हाट इज एटम, व्हाट इज एटम। सो आई एम नॉट गोइंग टू फर्दर एक्सप्लेन व्हाट इज एटम। आपको भी इस बात का आइडिया है कि एटम क्या होता है। सो एटम क्या होता है आपके पास? सो एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी इसकी एग्जांपल दी थी, दैट आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑल दीज आर द, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इन द इंडिपेंडेंट स्टेट, दे लिव इन द कंबाइंड स्टेट। सो O2, H2, N2, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच स्टेट्स दैट एटम मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एंड आफ्टर दैट वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज Atom is considered to be the smallest particle that exists in the universe. मतलब क्या इसका कि जो एटम है आपका, इट इज, ये आगे हम ऐसा मानते थे कि एटम जो है वो क्या होता है, सबसे आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एग्जिस्ट होता है इसके अंदर इन द यूनिवर्स। बट दैट इज नॉट एक्यूरेट, बिकॉज अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटम है उसकी क्या, हमने वी हैव divided the atom into further subatomic particles. So ये आगे ऐसा माना जाता था कि एटम क्या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी आगे क्या होते हैं फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स। सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि हाउ द एटम इज मेड ऑफ। तो एटम के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है न्यूक्लियस आपका और एक होता है इलेक्ट्रॉन्स आपके। अब जो देखो एटम एक्चुअली में, एटम इज बिलीव टू बी इन स्फेरिकल शेप, ठीक है। एटम को हम ये मानते हैं कि एटम जो है वो किस शेप, क्या होता है उसका सेंटर होता है। अगर हम कोई स्फीयर लेते हैं उसका इट मस्ट हैव अ छोटा सा, इसका क्या होता है सेंटर होता है। तो ऐसे हम यहाँ पे मानते हैं इसके जो सेंटर पे छोटी सी जो है वो दैट इज कॉल्ड आ न्यूक्लियस, और ये इसको आप क्या बोलते हो आउटसाइड वाले को, इट इज कॉल्ड ऑर्बिट, और ये अंदर से एम्प्टी है, ये अंदर से एम्प्टी है। सो इसीलिए हमने एटम को कितने हिस्सों में बांट दिया, वी डिवाइडेड द एटम इंटू टू पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है ये जो आसपास स्फीयर है उसके सेंटर पे क्या है, छोटा सा न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर क्या आएंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स। इसको क्या बोलते हो, ऑर्बिट भी बोल सकते हो, या आप इसको एक अनदर नेम है दैट इज कॉल्ड शेल, ऑर्बिट भी बोल सकते हो और शेल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेट अस सी व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आगे भी आ चुका है आपके पास कि हमारे पास एक अंकल आए थे जिनका नाम था जोहान एल्टन, जिन्होंने एटम्स के बारे में अपनी क्या थी थोड़ी सी थ्योरी दी इन 1808। That's why it is called the Dalton's atomic theory. First, उन्होंने ये चीज बताई कि all the matter is composed of extremely small particles, कि जितना भी आपके आस पास चाहे वो solid हो, liquid हो, gas हो या कोई और another state हो, सभी जो substances that are made up हो उनके सबसे छोटे particle का होते हैं which are known as atoms. उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे तो वो उनका सब कुछ क्या होगा सेम, विच इंक्लूड इट्स मास, साइज, फिजिकल एंड सम अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर वो एलिमेंट्स एटम जो होंगे, इफ द एटम्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर ये एलिमेंट ही क्या होंगे डिफरेंट, तो इनकी जो फर्दर साइज मास एक्सेट्रा जितना भी होगा वो भी क्या होंगे, ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो डिफरेंट।
नेक्स्ट एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. उन्होंने बताया कि एटम्स को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, दे वो सिर्फ एटम क्या, उन्होंने ये बोलते हैं कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते एटम, बट इट इज फॉल्स. यहां से क्या हुआ था, इसकी एक्सप्लेनेशन जाके फॉल्स हो गई. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये सिंपल भी आगे भी आ चुका है कि एलिमेंट्स जब भी या एटम जब भी मिलते हैं तो एक फिक्स्ड रेशो में मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल H2O की थी 1:8 और जो आपका एक और कंपाउंड था CO2 की थी 3:8. मतलब ये एटम्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में इकट्ठे होते हैं. नेक्स्ट इज इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंबाइंड सेपरेटेड और रीअरेंज. जब भी केमिकल रिएक्शन होती है हमें पता है वहां से समथिंग वी ऑब्जर्व समथिंग न्यू. तो जो न्यू बनता है वो इसलिए बनता है बिकॉज एटम्स क्या होते हैं, या तो आपकी इकट्ठे होते हैं या क्या होते हैं अलग अलग होते हैं या क्या हो जाते हैं रीअरेंजमेंट होती है एटम्स. अब इसके बेस पे आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. वो जो हमारा वो होगा दैट विल बी नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर आर लाइव डिस्कशन ऑन द एटम. नेक्स्ट जो हमारी होगी वीडियो वो किसके ऊपर आने वाली है, दैट विल बी ऑन द एटम्स के ऊपर लाइव MCQs क्वेश्चन बेस्ड. सो लेट्स सी व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स और किसने इसको क्या किया, डिस्कवर किया और हाउ. सो इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. सर जे they had taken a rays which are named as cathode rays. They are इनके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था. तो these are further the cathode rays and it is formed by the electrons. So इसका नाम इलेक्ट्रॉन आगे जाके रख दिया गया. Next important, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. और ये कितना होता है, लेट सी इट्स इट इज -1.6 × 10⁻¹⁹ सी. सी बोले तो कूलम. अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो वो मेरा पिछला जो वीडियो था ऑन इलेक्ट्रिसिटी वो भी जाके आप देख सकते हो. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. नेक्स्ट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम. यू हैव टू रिमेंबर दीज टू टर्म्स, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. लास्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स और वी कैन से दीज आर कॉल्ड शेल्स. वो क्या करते हैं, फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन. ठीक है, जो प्रोटॉन थे उसकी डिस्कवरी किसने की थी, दैट वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन. सेम चार्ज है लेकिन वहां पे क्या था आपके पास, यू कैन सी हियर सी एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स. देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है प्रोटॉन्स का वो सेम है एक्सेप्ट देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिंपल्स एंड द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल. सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये मिलके क्या करते हैं, दे आर द रीजन फॉर द एटॉमिक मास ऑफ द एटम. किसी भी एटम का इट मस्ट हैज सम मास. वो क्यों होता है, ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब आपको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते कहाँ पे, न्यूक्लियस में. मतलब एटम का सारा जो मास है दैट विल डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियस. अब ये भी सोच इनके लास्ट सेकेंड थिंग, अब
इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज. लास्ट वन इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अगेन 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम. दैट विल बी इक्वल इन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स. नेक्स्ट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल. जे जे थॉमसन ने बाद में क्या दिया एटम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी, उसने बताया कि इट विल लुक लाइक अ वाटरमेलन. जैसा कि आपका एक वाटरमेलन होता है जिसका रंग क्या होता है अंदर से, उसका रंग होता है रेड. सो उसने बताया कि जितने भी आपके पास प्रोटॉन्स हैं दैट रिप्रेजेंट द रेड पार्ट इनसाइड द वाटरमेलन, और उसके अंदर से जो ब्लैक ब्लैक सीड्स निकलते हैं विच आर इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रॉन. उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे रखे होते बीच बीच में एम्बेडिंग है. थॉमसन बिलीव दैट इलेक्ट्रॉन्स वर लाइक प्लम्स एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज पुडिंग. अब ये जो था ना, ये आपका जो क्रिसमस का जो होता है उसमें भी आपके ऐसा सा होता है वो हरा सा, उसके ऊपर ऐसे से हम कुछ ना कुछ ऐसे लगाते हैं. या आप ये बोल सकते हो कि ये जो आप इंडियन लैंग्वेज में कि अगर एक हम क्या लें वाटरमेलन लें तो उसके अंदर एक तो उसके अंदर से क्या निकलता है सारा पार्ट जो हम क्या कहते हैं ईट, दैट इज योर हेड पार्ट. लेकिन जो उसके अंदर सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब एक कहीं एक उधर एक उधर एक उधर. तो उसने क्या बताया कि ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के वो इधर उधर होते हैं, इतने नहीं होते. लेकिन जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो क्या है एटम के अंदर ही हैं. तो उसने उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या इतने नहीं होते, वो क्या बिखरे हुए होते हैं. लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था. अब इसने जो एग्जाम्पल दी, इसलिए इसका अनदर नेम है दैट इज थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल. दैट इज द वर्ड वी आर नॉट वी डज नॉट यू, ऐसा उन्होंने मान लिया था. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस. अब जो एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, एज यू नो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो आपको एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है विच एक्सपेरिमेंट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है उसके लिए विच एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. तो उसका आंसर है आपका सिंपल सा आंसर दैट विल बी, ठीक है, उसने क्या लिया पहले एक अल्फा पार्टिकल्स का क्या लिया, दे हैव टेकन सम सोर्स, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे. नेक्स्ट उसने आगे क्या रखा, एक छोटा सा होल रखा जिसमें से वो निकले ताकि आपके पास अमाउंट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स. आफ्टर दैट ये जो है दैट इज योर शीट ऑफ कोल्ड फॉइल. सोने की क्या ली उसने, छोटी सी क्या ली, शीट ली. और व्हाट ही हैड ऑब्जर्व हियर वी हैव सीन कि कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज निकल गए शे वाले, ठीक है, अंदर वालों में से कुछ कुछ क्या हुए छोटे छोटे एंगल से क्या हो गए वापिस क्या आ गए, और कुछ क्या बिल्कुल आए सीधे और एज इट इज क्या हो गए आ गए. मतलब कुछ पार्टिकल्स आर पार हो गया, कुछ पार्टिकल कुछ कुछ एंगल से क्या हो गए कहीं और निकल गए, लेकिन कुछ जो रेस थी वो सीधा पार्टिकल्स रेज पास्ड फ्रॉम द गोल्ड, वो आर पार उसमें से निकल गए. कुछ दो थी वो कुछ एंगल से क्या होगी डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन 8000 में से कोई एक रे ऐसी थी जो क्या होगी सीधी 180 डिग्री पे क्या आ गई वापस आ गई. तो ये था उसका अल्फा का एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट इज ये आप ऐसे एक बार और इसको ऑब्जर्व कर सकते हो अच्छे से. उसने आपको अब किस वजह से पता लगा कि आधे पार्टिकल्स इधर को निकले हैं, उसने आसपास उसने
एक डिटेक्टिंग स्क्रीन लगा दी थी जहां पे वो पार्टिकल्स आती थी तो उनका निशान आता जाता था, तो वहां से उसको आइडिया हुआ था ये आप यहाँ से देख सकते हो ये वाले पार्टिकल्स क्या हुए एज इट इज निकल गए, ये कुछ एंगल से क्या हो गए इधर उधर, और एक आधी जो थी वो एज इट इज क्या हो गए रिफ्लेक्ट बैक हो गए 180 डिग्री पे। सो अल्फा पार्टिकल्स अब क्या होते हैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आर इक्वलेंट टू हीलियम एटम, हीलियम का जो आयन्स होता है HE2 पॉजिटिव दैट इज इक्वलेंट टू अल्फा पार्टिकल, हीलियम आयन इज इक्वल्स टू अल्फा पार्टिकल। उसने क्या किया, एक छोटी सी शीट ली किसकी होल्ड की, उसके ऊपर पार्टिकल्स आए और वो हमारा हो चुका है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, उसने ये बताया देखो आधे जो थे वो एज इट इज इधर से क्या हुए आर पार हो गई, इसका मतलब क्या अंदर इसके है नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो जो एक आधी रे क्या करी इसके ऊपर आई तो वो एज इट इज क्या की वापिस, का मतलब अट्रैक्शन की बिकॉज ठीक है इधर उधर, तो वो उसमें से आर पार हो गया। तो यहां से उसने आइडिया लगाया कि उस जो एटम है ना उसके बिल्कुल बीच में क्या है, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर क्या चार्ज है दैट हैज सम ह्यूज पॉजिटिव चार्ज, और वो काफी हार्ड है जिसकी वजह से जो 180 डिग्री पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स की हुई क्या थी डिफ्लेक्शन हुई थी। तो वहां से क्या रिजल्ट निकले, फर्स्ट चीज जो इसका न्यूक्लियस, उसने उस चीज को उस जो उस चीज को उसने रख दिया था इट इज अ न्यूक्लियस। अब इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस हैज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास इन एटम, ये मैंने आगे भी आपको बता दिया, इसके ऊपर ही है क्या सारा पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट इट इज लोकेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो नेक्स्ट इज द नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम, इसका फुल नेम था नील्स बोहर ठीक है नील्स बोहर। तो इसने फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके आसपास ऑर्बिट्स में या शेल्स में होते क्या है रिवॉल्व तो होते हैं लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती रहती है, वो क्या हो जाती है दैट विल कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, बट ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता होता तो अगर उसकी एनर्जी क्या हो जाती इट विल कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज देन व्हाट विल हैपन, इट विल एक दिन ऐसा होता कि जो एक एटम है इसके अंदर की जो ऐसे इलेक्ट्रॉन वो अंदर ऐसे आता जाता है तो और उसके अंदर ही आ जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, एटम विल एग्जिस्ट, तो एटम की एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी थी। यहाँ पे आगे वो क्या हो गया था बिल्कुल फेल हुआ, तो उसको किसने टीच किया, हमारे नील्स अंकल जी ने। तो दैट इज ऑल्सो, उसने फिर एक एटम के बारे में अच्छा एक्सप्रेशन दी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट उसने ये बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद फिक्स एनर्जी, अब हर एक जो एनर्जी का ऑर्बिट है शेल है उसकी फिक्स एनर्जी होगी, साथ में विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी क्या होती है फिक्स है, वो ना तो डिक्रीज होती ना कि इंक्रीज होती। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द शेल इट नेवर गेन्स और लूज वो एनर्जी अपनी देगा। नेक्स्ट, अब कहीं आउटसाइड से उसको एनर्जी मिलती है तो वो क्या करेगा एक शेल से आउटसाइड की ओर आएगा, और अगर वो एनर्जी उसमें से निकल जाती है तो फिर से वो अंदर की ओर आ जाएगा ठीक है। तो अगर तो एनर्जी आएगी तो वो एक शेल से दूसरे में आएगा, और अगर एनर्जी उसमें से हम क्या करें निकाल देंगे तो वो जो ऊपर वाला शेल है उससे हट के वो अंदर की ओर आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स विद इन द ऑर्बिट्स ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर,
जब कहीं आउटसाइड से उसको एनर्जी मिल जाएगी तो वो निकलेगा आउटसाइड की ओर, और अगर उसमें से एनर्जी हम निकाल लेंगे तो वो अंदर की ओर आता जाएगा। लास्ट उसने बोला था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, वेयर एन बोले तो ऑर्बिट नंबर, एम वी आर बोले तो एंगुलर मोमेंटम। उसने ये बोला था ही हैज स्पेसिफाई आर रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड द ऑर्बिटल। एच बाई टू पाई इज द इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब दैट इज आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, एच बाई टू पाई यहाँ पे क्या होता है, दैट इज आर कॉन्स्टेंट। तो एम वी आर दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इन टू एच बाई टू पाई, वेर एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, और यू कैन से एन हेयर ऑल्सो नोन एज द, एन इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे लिखा भी होगा दैट इज ये रहा क्वांटम नंबर, एन बोले तो क्वांटम नंबर। ठीक है, दैट इज ऑर्बिटल नंबर। एम वी आर मीन्स सर, एम वी आर का, एम वी आर इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट रिवॉल्व और रोटेट, तो उसके पास जो होता है मोमेंटम दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सो इट इज एम वी इंटू आर, एम वी आर इज द एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपने अभी तक आपके पास आई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये कितने हो गए पार्टिकल्स, यू हैव थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आउटसाइड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा आपका अभी तक का निचोड़, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना है, ये ओवरऑल मास लिखा है, आपको इसका अप्रोक्सीमेट याद करना है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 9.1 सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये 24, ये देखो एक चीज, ये किस में दिए हैं, दीज ऑल आर इन द ग्राम्स, आपको किस में याद करने हैं, या तो आप ऐसे याद कर सकते हो बट किलोग्राम्स, क्यों एग्जाम में किसमें पूछे जाते हैं, इन किलोग्राम्स नॉट इन ग्राम्स। तो हेयर आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, जी हाँ, अब मैं आऊंगा आपके पास रविंद्र पाल जी, जो पिछला लेक्चर मैंने लगाया था दैट इज ऑन द शॉर्ट मेथड टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज। पहले मैं बता दूं एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल छ है, तो एटॉमिक नंबर छ होगा, 15 है तो 15 होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज ऑफ जितने भी अपने आप आइसोटॉप्स होते हैं उन सब क्या, उन सब के एटॉमिक मासेस की एवरेज को क्या बोलते हो, एटॉमिक मास बोलते हो। जैसा कि आपके पास सी है, कार्बन के कितने आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं अपने आप, दैट आर सी नंबर 12, 13 एंड 14। तो इन सब एटॉमिक मास और यू कैन से मास नंबर आर सेम थिंग, एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर सेम थिंग, दैट आर मास नंबर और एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो एटम का ओवरऑल मास है दैट विल डिपेंडेड ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस के अंदर होता क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। सो आप अब आपको आइडिया होगा कि पी प्लस एन इसको किससे रिप्रेजेंट करते, दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए इज द सिंबल फॉर द मास नंबर। सो मास नंबर इज इक्वल टू पी प्लस एन, एंड वट इज एटोमिक नंबर, एटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पी प्लस एन इज इक्वल टू मास नंबर
and P is equals to E is equals to atomic number. Here are the example oxygen. ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं आपके पास? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पे 18 लिखा है, यहाँ पे 8 प्लस 8 16 होता है भाई, मिस्टेक से लिख गया, 16 होता है, 16 आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज आर्सेनिक वगैरह और एग्जांपल. अब मेरे को रविंदर पाल जी बताओ, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? बिना सोचे बिल्कुल सीधा सीधा रिप्लाई, एंड प्लीज राइट द शॉर्ट मेथड इफ यू रिमेंबर दिस. अगर आपको वो याद है तो उसको भी लिखिए शॉर्ट मेथड. सेवन इज द एटॉमिक नंबर बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन. सर एटॉमिक मास था 14, नॉट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर 7 गलत, रॉन्ग हो गया आपका. एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है, एक्सेप्शन थी ये, ऑड नंबर है, इसमें एक ऐड नहीं हुआ, ये एक एक्सेप्शन, इसलिए मैंने एक्सेप्शन ही आपसे पूछी थी. ठीक है जी. सो व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. The atoms which have same atomic number but different mass number. जैसे कि अभी मैंने example दी C1, C2, C13 and C14. लेकिन इनका जो atomic number है that will be 666. वैसे ही आपके पास और सेवन H की H1, H12, H13. ऐसी ऑक्सीजन भी है आपके पास, और भी एलिमेंट्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो. अब एक बात और, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन? अब जो नंबर हम, ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल, जो सिंबल हम आगे यहाँ पे लिखते हैं इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और इसके ऊपर जो होता है इट इज इट्स एटॉमिक मास. तो ये वाले क्या है, एटॉमिक मास है ऊपर वाले, और ये जो नंबर है दीज आर एटॉमिक नंबर्स. ठीक है जी. नेक्स्ट इज आइसो बार्स. व्हाट आर आइसो बार्स? इसका ऑपोजिट, जिनका सेम क्या हो, मास हो बट अलग अलग क्या हो, एटॉमिक नंबर. जैसे दो ऐसे एलिमेंट जिनके, जैसे सी एंड एन 14 14, एन ए एंड एम जी 14 24. ये एन ए का है क्या, आइसो टॉप लिया है, अदरवाइज इसका कितना होता है 23 होता है यहाँ पे. ठीक है. आर्गन और किसकी एग्जांपल ले सकते हो, सीए की, उसमें ऊपर कितना था 1440 आता है. तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स दैट आर विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट इज आइसोटोन, जिसके अंदर क्या आते हैं, सेम नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स. अब हाउ टू फाइंड द न्यूट्रॉन्स, देखो P प्लस एन इज इक्वल्स टू मास नंबर ए. ओके, वेयर ये क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. सो एन कितना हो गया, ए माइनस जेड. सो मास इन द न्यूट्रॉन्स, अगर किसी एटम में न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आता है तो दैट विल बी, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटॉप्स. यहाँ पे एग्जांपल देखो, 31 में से 15 गए, कितने बच गए 16. तो जो फॉस्फोरस है उसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, 16 होते हैं. वैसे आपके पास एस बोले तो सल्फर 32 माइनस 16 अगेन 16. ऐसा ही आपके पास यहाँ पे 40 माइनस 20 20, 39 माइनस 19 अगेन 20. पोटेशियम के और कैल्शियम के सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हो, आइसो टोनिक स्पीसीज. नेक्स्ट इज आइसो टोन बोल दो, और आइसो जो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर उनके इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये इसके अंदर आयन्स आएंगे. देखो ऑक्सीजन ने क्या किया, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, तो इसके 18 हो गए.
अल्युमिनियम के अंदर ये देखो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 0 बिकॉज ये दिस इज नंबर दैट इज N14 आ गया। अब इसके अंदर अगर इसके आयंस ना बनते तो अब आयंस बनते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अब क्या हो गया आगे से डिक्रीज। देखो यहाँ पे एड का है, एड का सिंबल मतलब क्या, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए माइनस, कितने हो गए 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 1 0। सेम इज एग्जाम्पल फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 थे तो नंबर ऑफ पी इज 8, एन इज 8 बिकॉज 16 माइनस 8 इज 8, बट ई इज 1 0 अगेन, क्यों बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से ले लिए। तो जितने के आयंस होते हैं दैट आर उनके अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए दैट आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये हल्का सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। नेक्स्ट इज व्हाट इज वैलेंसी, क्या होती है। सो द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज आल्सो नोन एज इट्स वैलेंस शेल। जो एटम का बाहर ला शेल होता है उसको क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड यूअर वैलेंस शेल। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज कॉल्ड यूअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है फॉर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हो वैलेंसी। सो आउटर मोस्ट शेल को बोलते हो वैलेंस शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन्स, और कितने और इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट मतलब 2 8 18 वाला रूल, शायद आपको पिछली बार का हो याद, 2 8 18 रूल होता है कि उसने अपने आउटर मोस्ट या तो रखने 2 या 8 रखने हैं, ठीक है, या रखेगा 2 या रखेगा 8, तो या तो रखेगा 2 या 8। तो फॉर एग्जाम्पल एच के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब एक या तो ये एक और आ जाए तो उसके पास 2 हो जाएंगे, या फिर ये एक अपना इट विल बी अ स्टेबल वन। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल के लिए O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का 6 एटॉमिक नंबर 2, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, सो 2 6 इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन आए तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इसका हो जाएगा कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से या तो निकाल देते हैं या किसी और से लेते हैं फॉर देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने शेल्स में है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी थी, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 8 को हम लिखते कैसे, जो आपका फर्स्ट होता है शेल उसमें कितने आते हैं, 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, तो टू अब इसको है ही 8, तो बाकी आपके पास बच गए कितने, 6 बच गए, 2 6 हो गया, इट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द वे टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं एक ऑर्बिट के अंदर, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय द सिंपल रूल दैट इज 2n2, n की वैल्यू 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 × 1 दैट इज 2, तो ये देखो कितने होते हैं 2। नेक्स्ट वन इज 2, अगर n की वैल्यू क्या पुट करें 2, देखो शेल के जो नाम है वो क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज के एल एम एन, n1 2 3 and 4, अकॉर्डिंग टू दैट 2 × 2 का होल स्क्वायर दैट इज 8, 2 × 3 का होल स्क्वायर 18। सो एक एक्सटर्नल शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। सो ये था आपका आज का लेक्चर जो था एटम्स के ऊपर और एटम की वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज।